ये जातक कहानी का नाम है सुधा भोजन जातक। सुधा भोजन कहाँ का है? सुधा देवलोक का प्रोडक्शन है। तो एक भांति जीता भगवान बुद्ध के समय में, कमाल ये भांति जी हमेशा दान देता है, और देना चाहे करके। कभी भी ये बनते जी अकेले कुछ खाता पीता है ही नहीं, हमेशा देते रहता है। और मैं कुछ अपने के लिए मिल गया था भी तुरंत बांट के खाता है। अकेले नहीं, अकेले खाने में डरता है बनते जी। क्यों? हम अकेले खाएंगे, उससे अच्छा है हम किसी के साथ बांट के खाएंगे। बांट के खाए तो पुण्य मिलेगा, अकेले खाए तो कहाँ पुण्य है, जो था वो पुण्य खत्म हो जाता है अकेले खाने से। तो ये बंते जी का दान के बारे में हर जगह फेमस हो गया। भोजन भी देता है दूसरों को, कोई आ गया तो अपना कुटिया दे देता है, कोई कमी हो गया तो अपना निशीधन दूसरों को दे देता है बंते जी लोगों को, और बैठने का जगह नहीं हो तो अपना जगह दे देता है। इतना पुण्य करने में ये बांते जी आगे हैं। तो धर्मसभा मंडप में बांते लोग बैठ के बात कर रहे थे बांते जी के बारे में, पूरा फेमस है बांते जी, कमाल ही बांते जी, अरहंत महाकाश्यप बांते जी इत्यादि बांते जी लोग थे धर्मसभा में। तो बात कर रहे थे, कमाल ही बांते जी आश्चर्य हैं, ऐसा ऐसा दान दे रहे हैं। भगवान बुद्ध जी कुटिया में बैठ के इन लोग का बात सुन रहा था। तो भगवान बुद्ध सोच रहे थे, हम वहाँ जाएंगे तो और ये बात खूबसूरत हो जाएगा। भगवान बुद्ध इधर से छन होके धर्मसभा मंडप में प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद क्या आप लोग बात कर रहे थे हम आने से पहले, बताए एक भंते जी के बारे में बात कर रहे हैं। होता है वो भिक्षु पहले बहुत खंजूस था, तब लालची था, अपना खाना दूर की बात है, इतना धन सा धनी बन गया, एक बूंदा किसी को नहीं दिया, मेरे चलते वो दानी बन गया है। बंदे लोग बताए ऐसे है तो भगवान वो कहानी बताइए हमें कृपा करके, क्या हुआ पहले? बताए बहुत पहले भारत में एक राजा था, उस राजा के समय में एक आदमी था, उसके पास 84 करोड़ का धन संपत्ति था। उस आदमी के पास नॉर्मल आदमी था, 84 करोड़ का धन संपत्ति। इसीलिए महाराज ने क्या किया, उसको मेन सेठ बनवा दिया। तुम आज से इस देश का सेठ हो, सेठ का छात्र दिया उसको, छाता दिया। तो ये सेठ जी बन गया। अब जो और पैसा मिल रहा है सेठ जी को, तो सेठ जी ने सोचा जो कुछ धन मिल जाता है, जो कुछ संपत्ति मिल जाता है, वो कभी गलत काम करने से नहीं प्राप्त होता है, पाप करने से एक पैसा भी नहीं मिलता है। अगर हमको जो अभी मिल गया तो जरूर मिल गया पिछले जन्मों जन्म में जो मैंने किया उस पुण्य के कारण, ऐसा है तो इस जन्म में भी मेरा ये धन का मतलब क्या है, हम दान देंगे, राजा को दे देंगे। महाराज के पास जाके बताया, महाराज मेरा धन आप सब ले लीजिए। महाराज पुण्य करने के कारण मुझे धन प्राप्त हो गया, हम चाहते सब दे देंगे। महाराज इनकार कर दिया, नहीं चाहिए मुझे, एक भी नहीं चाहिए, क्यों? मेरे पास है धन, तो तुम्हारा धन मेरे लिए क्यों? तो महाराज ऐसा है तो मुझे एक चीज का अनुमति दीजिए, हम दान देना चाहते दूसरों को। हाँ ठीक है, वो कर सकता है। ऐसा है तो महाराज, राजा का महल में दान देने का जगह है,
राजा के महल में चार दरवाजा है। महल मतलब ये आश्रम महल जैसे, तो मेन गेट एक दरवाजा वैसा, मतलब पूरे घिरा हुआ है ना, उसको चार दरवाजा है। चार दरवाजे के जगह पे हम चार दानशाला बना देंगे। इसके बाद महाराज मेरे घर में भी दो दरवाजा है, उधर भी हम दो गो दानशाला बना देंगे, अन्नशाला। तो ठीक है, महाराज बता ठीक है। एक दिन में लाखों रुपया खर्च करके दान दे रहा है, तो बहुत सारे लोग अच्छे से बनाने वाले भोजन खाने के लिए दूर दूर से आता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये शिव जी बहुत पुण्य करने लगा, बहुत पुण्य करने लगा। ऐसा पुण्य करके करके बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होके वो मर गया। मरने के बाद सीधा जन्म पाया शक्र देवेंद्र, इंद्र जी का जगह पे जन्म लिया, देवताओं को मुखिया बन गया। इसका उसका बेटा भी, बेटा को भी और धन मिल गया। बेटा ने सोचा पापा ऐसा पुण्य किया है, सचमुच में ये सारे धन पिछले जन्म जन्म में पुण्य करने के कारण ही प्राप्त हो गया, हम क्यों, हम भी देंगे। जो पापा ने करते हैं वो चीज करते 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 दान देने लगा। इसके बाद वो मरने के बाद चंद्र देवराज बन गया, चंद्र देवराज बन गया बेटा मरने के बाद, मतलब वो बूढ़ा होके। फिर उसका बेटा वैसे ही पुण्य करने लगा, अपना वंश का अपना वंश का बात क्या है, दान देना, तो मैं भी दान दूंगा, क्योंकि ये सारे दान, ये सारे धन संपत्ति पुण्य करने के कारण ही प्राप्त हो गया। ऐसे करके वो भी दान देने लगा, वो भी दान देने बूढ़ा होकर मर के सूर्य देवराज बन गया, सूरज देवराज, सूर्य देवता बन गया सूर्य जी। इसके बाद उसका बेटा भी वैसे ही पुण्य करने लगा। वो मरने के बाद मातली दिव्य पुत्र बन गया। मातली मतलब इंद्र जी का रथ चलाने वाला ड्राइवर। उसका बेटा भी और पुण्य करके पंचसिक बन गया। पंचसिक मतलब देवलोक में सबसे सुंदर में बाजा बजाने वाला, सबसे सुंदर वही बन गया पंचसिक। पंचसिक का पुत्र है कोशी, कोशी सेठ जी को 80 करोड़ धन संपत्ति का मालिक बन गया। मिलने के बाद अपना परंपरा से आया हुआ चीज करने का ध्यान नहीं रखा। वो क्या बोला, वो सोचा ये धन संपत्ति मेरा है, भिखारी को हम क्यों दें, नहीं दिया। तो बहुत सारे भिखारी लोग महल पे दरवाजा पे हल्ला गुल्ला करने लगा, महाराज में सेठ जी हमारा भूख प्यासा को मिटा दीजिए, आपका पूरे परंपरा से आ रहे ये दान आप रोक रहा क्यों, सेठ जी प्लीज हम पे हमें मदद करिए। हट जाओ जाओ, यहाँ भिखारियों का ना मना है। इसके बाद उन लोग बहुत गुस्सा किया, भिखारी लोग, तू तो अपना वंश से आया हुआ में परंपरा से आया हुआ आदत लगातार नहीं ले जा सकता है, बेकार है, चलो करके गया। फिर भी कोई कोई हल्ला गुल्ला करने लगा तो नौकर लोग डाल के उन लोग हटवा दिया, गेट सब बंद कर दिया। अभी ये कोसी बहुत खंजूस है, कभी दान देता नहीं। एक दिन कोसी को राजा, कोसी कैसा सेठ जी है, कहता नहीं, हमेशा माड़ बात कहता है, बच्चे लोग को भी खिलाता नहीं।
अपना पत्नी को बाल बच्चों को पुराना सटल पटल कपड़ा देता है पहनने के लिए, खुद भी वैसे कपड़ा पहनता है। आने जाने के लिए बूढ़ा बैल, टूटल पटल बैल का रात इस्तेमाल करता है। और सेठ लोग के पास छाता होना चाहिए, इनके पास अपने से सिलाया हुआ पुराना पुराना सटल पटल कपड़ा लेकर के, वो सब लेकर के सिला के अपने से छाता बहन के ले जा रहा है। इसी प्रकार बहुत दुखी से जीवन बिताया, अच्छा से खाता पीता नहीं, क्यों खंजूस है, सोचा खर्च हो गया तो ज्यादा। तब ये एक दिन कोसी राज्य सेवा में जाने के लिए सोच रहा था, तो सोचा मेरा दोस्त सेठ जी के साथ आज जाएंगे। दोस्त सेठ जी के घर पे गया, जाते जाने के बाद देखा बिना पानी मिलाए हुए सिर्फ दूध से बनाया हुआ खीर, उसमें घी मिलाकर शक्कर मिलाकर और मध मिलाकर और सुगंध खीर बना है। सुगंध देखते ही खोसी सेठ जी का मुंह में पानी आ गया, खाने का मन किया। वो सेठ जी बताया आइए आइए सेठ जी, खड़ा होकर स्वागत करे, आइए आइए बैठिए, चलिए हमारे साथ आने की जाने के लिए आपका इच्छा थी तो आपको बहुत धन्य है, तो क्यों नहीं आज आप मेरे घर पे नाश्ता करके चले, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाया। फिर सोचा खाएंगे, अगर हम इसी घर से खाएंगे तो फिर वापस इसका प्रत्युपकार को पाने के लिए हमारे घर पे भी आ जाएगा, बना के देना पड़ेगा, इससे अच्छा बर्दाश्त। नहीं नहीं सेठ जी, हमको नहीं चाहिए, नहीं नहीं खाइए ना प्लीज, मुझ पे दया करके खाएं, जबरदस्त बोलने लगा। तो वो बताया हम आज भरपेट सुबह खा के आया है, अभी कहाँ घुसा देंगे, जगह भी नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे तो इंतजार करें, हम खा के तुरंत आएंगे। वो खाना देखते कि वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, तूप पूरा आ रहा है पी रहा है। इसके बाद क्या हुआ, चला गया, जाके शाम में घर आया, सोने सीधा गया पलंग पे, जाके सूत गया, देर से उठ गया, अभी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है शरीर, दुबला पतला होने लगा, चिंता में सुबह दिन रात। देवी आके पूछ रहे थे स्वामी क्या कोई प्रॉब्लम है, आप सही ढंग से खाना नहीं खाता है, खुशी से रहता नहीं, चिंता में है, आप सोते रहता है, दुबला हो गया पतला हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए ना, हम सब सॉल्व कर देंगे, हट जाओ ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं कोई ना कोई चिंता है, कि आपको कोई अपमान किया या कोई आप किसी पे अपराध किया या कुछ खाने का लालची आ गया या फिर कोई आपको कुछ सुख भोगने का प्यास आ गया, बताया ये सब नहीं है, हमको तो कुछ खाने का तो लालची आ गया। क्या क्या खाने का लालची आ गया, बताया हमको खीर खाने का, बिना पानी मिला के बनाया हुआ खीर खाने का मन आ गया। आयो सेठ जी स्वामी, छोटी सी बात है, हम लोग पूरे राज्य को खीर खिला देंगे। वो बोलने से पहले तुम्हारा मुंह क्यों नहीं फटा, पूरे राज्य को खिला देंगे, तो तुम दहेज लेके आए मेरा घर पे हैं, तुम्हारा क्या लाया, जो दहेज ला उसे जाके बांट दो तेरी। ठीक है स्वामी जी, अपना टोला में सिर्फ बांट, टोला पे उन लोग क्या हमको दे रहे हैं, टोले के लोग जाके तू खिला उसको, लोग मेरा एक रुपया नहीं उस पे। ठीक है स्वामी, अपने घर के आसपास लोग, आसपास को पागल हो गया क्या, आसपास के लोग फिर मुख मार देंगे, को तब समझ में आएगा तुमको। हाँ ठीक है सेठ जैसे, तो हमारे महल के सारे नौकर लोग हम लोग मिल के खाएंगे। नौकर लोग का खाया किसी लिए, उन लोग का मती मार गया क्या, हम लोग को खिला देंगे, मंथली पैसा उन लोग को नहीं मिलता है, उन अपने बना के खाएगा।
ठीक है सेठ जी, ऐसा है तो हाँ वो सभी सभी लोग छोड़ दीजिए, अभी हम तुरंत बना लेंगे, हम परिवार के लोग मिलके खाएंगे। परिवार के कौन? हमारा बच्चे, हम आप सभी लोग। बच्चों को जरूरत क्या है, उन लोग को जाके माड़ भात खिलाओ। तो सेठ जी ठीक है हम दोनों खाएंगे, तुम्हारा जरूरत क्या है? तू हमेशा खाते रहता है, इतना मोटी हो गई, जा जा यहाँ से। तो सेठ जी ठीक है आपके लिए हम बनाने, तुम्हारा बनाने की जरूरत क्या है? पक्का तुम बर्बाद करेगा चावल, ज्यादा घी डालेगा, इसीलिए मुझे कढ़ाई दे दो और मुझे दूध दे दो, चावल दे दो, घी दे दो, मद दे दो, शक्कर दे दो, ये सब मुझे दे दो। बोले ठीक सब तैयार करके सेठ जी को दिया। एक नौकर को लेकर पूरा जंगल के अंदर गए। सोचा अगर घर पे बनाया है तो धमक इधर उधर जाएगा, कोई आ गया तो। जंगल पे जा कर एक मोड़ आया, सुरक्षित जगह पे गया जहाँ चोर कोई नहीं, कोई आ भी नहीं सकता, वैसा जगह पे गया अपना बगीचा में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बताया नौकर को तुम दूर में रहो, इस पर तुम नज़र मत डालो, तुम्हारा नज़र डालते इसमें कम से कम एक दाना चावल ख़त्म हो गया तो हमारा घाटा है। नज़र भी बड़ी बुरा चीज़ है, तुम दूर पे रहो जहाँ सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, कोई आना देख लिया तो उसको मेरे पास मत लाना, उधर से लौटा के भगाना है, इधर लाए तुम्हारा सिर टुकड़ा हो जाएगा। जी सिर जो आपकी आज्ञा। कोई इंतजार करे, कोई आता है नहीं, कोई नहीं आता है, इधर खान बना रहा है। उस समय इंद्र जी का बहुत संपत्ति प्राप्त हो गया है। इंद्र जी का जन्म पाते बहुत संपत्ति प्राप्त होता है। तो इंद्र जी सोचा हम क्या पुण्य किया, इतना सारा सुख संपत्ति मिला, इसे आंख बंद करके देखते ही देखा क्या हुआ पुण्य। फिर सोचा मेरे परिवार में कौन था, अरे मेरा बेटा बन गया चंद्र देवता, उसका बेटा बन गया सूर्य देवता, उसका बेटा बन गया मातली, मातली का बेटा बन गया पंचशिखर, तो पंचशिखर का बेटा कोशी, कोशी कौन सा देव, एक भी देवलोक में नहीं, कहा मनुष्य लोक में, अरे हाँ मनुष्य लोक में पुण्य तो करता होगा हैं, ये तो खंजूस ही है अभी तक, बहुत बड़ा खंजूस निकल गया, खडूस है ये, क्या कर रहा है, खीर बना रहा है, तो इसका खंजूस को मिटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर अपना चंद्र सूर्य जी को और मातली को पंचशी को बुलाया, चलो हमारा परंपरा का खंजूस ही निकल गया, उसको कुछ कर देंगे। पांचों लोग ब्राह्मण ऋषि लोगों का रूप लिया। पहले आ गया इंद्र जी, ब्राह्मण का रूप में आके खड़ा हो गया बगल में। ये कौन आ गया, ये हमें थोड़ा सा भिक्षा, हे वो गलत बात है, ये सिद्ध जी के पास भिक्षा उक्षा नहीं है, वो सब दूसरों का घर पे है, इधर देखना भी तुमको मना है, जाओ 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 जाओ, इसे मत कहे सिद्ध जी, संत लोगों को सेवा सत्कार करना बहुत पुण्य, हाँ हाँ हम जानते बहुत पुण्य है, हमारा पुण्य जरूरत है ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से जाओ। नहीं सिद्ध जी, आपको ये सारे धन पिछले क्या हो पुण्य के शक्ति से मिल गया, कौन बोलता है, कौन बोलता है, तुम्हारे माँ बाप ने बोल दिया, जाके माँ बाप को सिखा दो, इधर ये सब नहीं। इसके बाद बताया नहीं सिद्ध जी, एक बात सुनिए, संसार में कभी भी खंजूस लोगों को कुछ मिलता नहीं है, जो देता है उन लोगों को मिल जाता है। आपको ये शरीर का सुंदरता, ये सारी संपत्ति दान देने के कारण मिल गया, कभी खाली हाथ से संत लोग को वापस मत पिटाइए, पछताना पड़ेगा, कल आपका धन संपत्ति खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे। थोड़ा डर गया, कहीं सही में हो गया तो ठीक है ठीक है, साइड में बैठिए, अब कहा करें, बैठिए उधर, बैठिए उधर, फिर नहीं जाओ ना, ठीक ठीक ठीक, अभी खीर बना रहा है।
और एक प्राप्त हो गया। अब ये कौन है? ये शिव जी भिक्षा थोड़ा दे, तुम्हारा तुमको इधर सिर्फ दिखाई देता है, बाहर एरिया कुछ दिखता नहीं है, कहाँ से प्राप्त हो गया? मेरा चौकीदार कहाँ है? उधर खड़ा है, हम इधर से आए हैं। 10-15 को चौकीदार लाना चाहिए था, अब क्या करें? ठीक है, अब तुम क्या कहना है? हमको भी थोड़ा सा दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम एक को हम दे रहे हैं बस, तुम चल जाओ यहाँ से। ऐसे मत कहे सिद्ध जी, कभी भी जो कंजूस रहता है, कंजूस लोगों को हमेशा दुख मिल जाता है। अगर थोड़ा सा भी देंगे तो उन लोगों को सारी संपत्ति प्राप्त हो जाता है, धन बढ़ता जाता है। थोड़ा प्रसन्न हो गया, तुम्हारा बात भी सही है गुरुवर, तो तुमको भी थोड़ा देना ही पड़ेगा। तो साइड में बैठ बैठो ना, बस वो एक और आ गया ना, उसके साइड में बैठो जाके। ये आज मेरा मुहूर्त गलत हो गया, मेरी पत्नी का नजर लग गया, सही श्राप की होगी वो कान बना रहे। और एक प्राप्त हो गया। अब ये कौन है? तू कौन है रे? सेठ जी कृषिवर। हाँ वो तो देख रहा है, आया क्यों? मैं हमको भी थोड़ा सा भिक्षा। तुम लोग सबका नजर इस पे है, थानी को कढ़ाई पे उजला रंग का खीर बन रहा है, उस पे तुम लोग का नजर। सेठ जी दान देना उतना, वो तो हम जानते, दो लोग को बैठा दिया। अब तुम ऐसे मत कहे सेठ जी, कभी भी कंजूस लोग बिजनेस शुरू करेगा तो उन्नति नहीं पा सकता है, लेकिन जो त्यागी है, दानी है, ऐसे लोग कुछ ना कुछ व्यापार करेगा तो, घर बनाना शुरू किया तो जल्दी शीघ्र ही उन्नति प्राप्त करता है। इसका मतलब सेठ जी, दान देना सर्वश्रेष्ठ चीज होता है। थोड़ा प्रसन्न हो गया सेठ जी। अब क्या करें, तुम भी जाके बैठिए जी उन लोग के पास। अरे कोसी, अब तुम्हारा पेट का एक साइड कम से कम भरेगा, अपने को खुद को अपमान करते करते बना रहा है, तुम्हारा गलती। बिना बीवी के बोल के चुपचाप सो गया, तभी तक पलंग पे सो रहा है। और एक ये कौन है? ये ऋषि मुनि जी, थोड़ा सा खीर चाहिए, भिक्षा चाहिए थोड़ा सा, और आपको यही मिल गया है ना? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि तीन वहां बेटा है, तुम्हारा कहानी लेके वहां बेटा है। अब तुम क्या बोलेगा? ऐसा नहीं कहती, दान देना सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो तीन लोग बैठे हैं, वो चीज बहुत अच्छा है। लेकिन कभी भी जो देता है, देने वाला का हाथ खाली नहीं होता है, देने वाले हाथ हमेशा भर जाता है, हर चीज से भर जाता है। आप जितना दोगे उतना ही भर जाएगा। तो सेठ जी का मन थोड़ा प्रसन्न हो गया, मैं मुंह का एक साइड हंस के एक साइड के रो रो के, जाइए जाके उधर बैठिए थोड़ा सा। अभी सेठ जी खीर बना रहा है, अपने आप आंखों से आंसू भी गिर रहा है। अब क्या करे? बना दे रहा मैं, और कौन फर चाय हिमालय उठ के आ गया क्या यहाँ? तू कौन है रे? सेठ जी मैं एक ऋषिवर हूँ, थोड़ी ना डोंगी है, दिखाई दे रहा है, कहे लाया? सेठ जी थोड़ा सा भूख लगता है, भोजन स्वीकार करने के लिए। अगर 2 महीना से हम भूख से, हमारा ख्याल कोई नहीं रखता है, तुम एक दिन से भूख, तुम्हारा ख्याल हम रखें? ऐसा नहीं, समझ के है सेठ जी,
दुनिया में भगवान बुद्ध पच्चेक बुद्ध अरहंत लोग हमेशा अच्छा बोलता है दान देने के बारे में। अगर आप ऐसा करेगा तो आप भी इस दुनिया में महान बन जाएंगे, उत्तम बन जाएंगे, कवर नहीं करना, श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर दान नहीं दोगे तो नीच हो जाता है। इसीलिए शिव जी दान देना सर्वश्रेष्ठ होता है। आप क्या कहें? ठीक है, जाकर पेड़ के नीचे बैठिए। अब क्या कहें, देंगे थोड़ा सा। अब पूरा पांचों को देना है, पांच भाग करके पात्र में डाल दिया। अपने नीदम थानी सुन बचा हुआ है, पूरा फाड़ के देख रहा है, ये मेरे जी मेरे हैं। वो लोग तो बैठ के खाएगा भरे पेट, इसे चन हो जाएगा यहाँ से हम, और बीमार पड़ जाएगा। अब क्या करें? फिर पंचसिक तुरंत छन हो गया वहां से, पंचमा ब्राह्मण छन होके कुत्ता का रूप लेकर के आ गया। ये कौन आ गया? ये इधर घर द्वार है ही नहीं, जंगल है, यहाँ भी कुत्ता आ गया। तू जब पूरा पूछ हिलाने लगा, पूरा चाटने लगा सेठ जी का, उसे पूरा प्यार करने लगा, सूंघने लगा, साठ के सोने लगा, बहुत प्यार करने लगा। ये तो यमराज जी है, या तो फिर ये मर जाएगा या हम मर जाएंगे, दोनों का अंत आज होने वाला है। हटाने के लिए पूरा कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है, डांटता है, मारने जाते हैं, खुद सुनता नहीं। अब क्या करें? ठीक है, रुको साइड मेरा, उधर बैठ, साइड कर दिया। अभी अभी सेठ जी रोता है नहीं रोता है, फिर बताया पहले हाथ थोड़ा धो के आएंगे, तुम चारों इसको देखो, बाकी कहा गया चन हो गया ना, मिला खत्म हो गया वो। ठीक है, तुम लोग चन मत हो जाओ, इसको थोड़ा देखते रहना, हम तुरंत हाथ धो के आएंगे। हाथ धोने गया, कुत्ता को पूरा छाट रहा है, पूरा कड़ा है, छाटना देख लिया, दौड़ के आके ले लिया, कुछ नहीं है पात्र में। इसका पूरा रोने लगा, अरे मेरा मेरा सब चला गया, सब चला गया। इसके बाद इंद्र जी यानी कि मेन ब्राह्मण जाके बताया, कभी भी इसे चिंता मत करिए, आप जो आज दिया है बहुत श्रेष्ठ काम किया है। आज तो आप जो आप दिया है कोई छोटा मोटा लोग नहीं दे पाते। चार लोग आसमान में गए, आसमान में जाकर और बताने लगा। तो ऐसा है, तो सेठ जी दान देना बहुत श्रेष्ठ चीज है। देखिए आप, आपको कुत्ता को भी अंत में दया आ गया। दान देने से मन पवित्र होता है, दान देने वाले लोग दुनिया में श्रेष्ठ होता है, दान देने वाले लोग कोई चीज का कमी नहीं होता है। सत्पुरुष लोग निरंतर दान देते हैं, कंजूस नहीं रहते। सेठ जी का उस समय कंजूसी खत्म हो गया, बहुत सारी दुर्घटना हो गया है। फिर सेठ जी पूछा, आप लोग कौन है इतना मुझ पर दया करके बहुत मेरा कल्याण के बारे में सोच रहे, तो आप लोग कौन है? बता, मैं हूँ इंद्र, पिछले जन्म में मैं आपका रिश्ता था, पूरा आपका परम आपका वंश के थे, मैंने शुरू किया ये दान देना। ये मेरा बेटा अभी चंद्र देवता है, ये उनका बेटा सूर्य देवता बन गया, ये उनका बेटा मातृ देवराज, ये उनका बेटा पंचसिक बन गया, पंचसिक का बेटा है तू। ये पंचसिक जो व्याप में दान दिया वो तुम नहीं किया, इसलिए तुम भविष्य में दुख भोगने का रास्ता पे घुस गया है, बहुत पछताओगे। बहुत प्रसन्न हो गया, और ज्ञान बताया तो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर वादा किया, मैं भी दान दूंगा, मैं भी आप लोग जैसा दुख सुख भोगूंगा, क्योंकि आप लोग बताए हैं जो दान नहीं देता है खंजूस से वो कभी स्वर्गती जन्म नहीं पा सकता है। हम चाहते स्वर्ग में आके आप जैसा सुख भोगना, हम भी देंगे। वापस अपना महल में जाकर पूरा दान देने लगा, वैसा जो पहले दिया वैसे ही दान देने लगा। दान दे के दे के बूढ़ा होने के बाद ये चला गया हिमालय तरफ, हिमालय तरफ जाकर के
वहाँ तपस्या भी तपस्या करने लगा। तो हिमालय में रहते थे नारद नाम का एक ऋषि। नारद ऋषि दिन में तावती से देवलोक में रहता है, रात में उतर जाता है मनुष्य लोक में। एक बार देवलोक से आते समय देवताओं से मिल गया सुंदर एक खड़ू फूल। वो फूल सिर्फ देवताओं से, बड़ा देवताओं को मिल जाता है। वो देवता नारद ऋषि को दिया फूल, फूल उठा के लाए छाता जैसा, धूप से बचने के लिए फूल मारता नहीं, सुगंध दे रहा है। फूल उठा के लाते समय इंद्र जी का चार बेटी थी, चार बेटी का नाम है, पहला का नाम आशा, दूसरा का नाम श्रद्धा, तीसरा का नाम हीरी, चौथी का नाम सिरी। आशा श्रद्धा हीरी सिरी चारों आते समय देख लिया नारद ऋषि जी का फूल। अरे इतना सुंदर फूल हमारे पास में भी नहीं है, ये सुंदर फूल नाग असुर को भी नहीं मिलता है जल्दी, देवताओं से बड़े बड़े देवताओं को मिलता है, हम मांगेंगे ये फूल। चारों जा करके मांगा हे महामुनिवर हमें ये फूल दे दीजिए। बताया तुम इसे किसको दे, चार है एक फूल है। ऋषिवर हम चारों में से सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ कौन है उनको दे दीजिए। सेठ जी सोचा हमको तुम लोग से कौन श्रेष्ठ है कोई दिखता नहीं है, तुम लोग जाके इंद्र जी से पूछ के आओ, इंद्र जी का घर से है तुम लोग, इंद्र से जाके पूछो तुम चारों में से कौन श्रेष्ठ है। तो वो चारों इंद्र जी के पास आया, आकर एक बताया पिताजी हम चारों में से कौन श्रेष्ठ है, तुम चारों में से हम कैसे कह सकते हैं कौन श्रेष्ठ है, तुम चारों मेरे बेटी हैं, चारों ही सुंदर हैं, चारों के पास आए हो शुभ बल या कीर्ति है। तो कोसी ऋषि जी हिमालय में ध्यान कर रहा है, कोस ऋषि जी पास लेके जाओ सुधा भोजन, ले जा करके हम किसी से सुधा भोजन पिठा देंगे मातली से, तुम लोग जा करके बताओ इस मांग सुधा भोजन, सबसे उत्तम उसको सुधा भोजन मिल जाएगा, तो वही है श्रेष्ठ। इसके बाद इंद्र जी बोलने के बाद खुश हो गया चारों। फिर कौन मातली को बुला के बताया जाओ जा करके सुधा भोजन दे दो कोसी ऋषि जी को। कोसी ऋषि जी को जा करके बहुत दिन से ऐसे ढंग से खान पान नहीं मिला, गांव से दूर हिमालय में ही सुधा भोजन पूजा किया। सुधा भोजन रखने के बाद वो चारों आ गई, श्रद्धा हीरी ने आशा श्रद्धा हीरी सिरी आकर के बताने लगा। चारों दिशा में खड़ा हो गया चारों। पहले आशा आके बताया मेरा प्रणाम, मैं उत्तम होना चाहता हूँ इसलिए मुझे ये सुधा भोजन दे दीजिए, जो सुधा भोजन मिलता है वो उत्तम हो जाता है। कोसी सेठ जी पूरा अपमान के नीचे, तुम लोग अपना फायदे के लिए खा रहा है, हमेशा बुद्धिमान लोग सोच रहे थे बांट के खाने के लिए, तुम लोग कहाँ बांट के पकड़े के खाने के लिए तरस रहा है, जाओ यहाँ से पागल कहे के वो चले गए। फिर आ गई श्रद्धा, श्रद्धा की मांग लिया उसको भी डांट के भगा दिया। सिरी आ गया, हीरी आके मांग लिया वो भी भगा दिया। सिरी आके बताया खड़ा हो गया, तुम क्या कुछ नहीं बोलती है, क्या बोल दे, हम ये मांगना नहीं चाहते हैं, हमको ये सुधा भोजन नहीं चाहते हैं, हम अपना मन करके जाने के लिए आए। तो ऋषि जी खुश हो गया, बहुत अच्छा, जो नहीं मांगता है उन लोग को हमेशा मिलते रहता है, मांगना शुरू किया तो उन लोग को
जल्दी कुछ नहीं मिलता, नीच हो जाता है। तुम उत्तम हो, तुम श्रेष्ठ हो, अति उत्तम है। क्यों? तुम मुझसे नहीं मांगा है, इसलिए तुमको हम ये दे दूंगा। ऐसे करके सुधा भोजन सिर को दे दिया। सिर ले जा करके इंद्र जी को दिखाया। सारे देवताओं को बुला के सिर दिव्यांगना को सुंदर स्वर्ण चमकने वाली कुर्सी पे बैठा दिया। इसके बाद कुछ समय में कोसी ऋषि जी मर गया। मर के इंद्र जी का भवन में जन्म लिया, एक देव सुंदर देवराज बन गया। तब वो देवराज को अग्रमहेशी का महारानी बना दिया सिर दिव्यांगना। तब भगवान बुद्ध ने बताया, उस समय हिरी देवी थी, ये उपलवन्ना अर्हंत उपलवन्ना। उस समय कोसी सेठ जी थी, ये दान देने वाले भिक्षु। अब बहुत देर है, वो मेरे चलते देर है। पांचसिक देव दिव्य राज था अनुरुद्ध, अरहंत अनुरुद्ध बंते जी। मातृ दिव्य पुत्र था अरहंत आनंद बंते जी। सूर्य दिव्य पुत्र था दुतांगधारी महाकाश्यप अरहंत बंते जी। चंद्र दिव्य पुत्र था अरहंत महामोगलन बंते जी। उस समय दिन के समय में देवलोक में जाता है, रात में मनुष्य लोग में रहता है, वो नारद ऋषि जी था। ये सारे पुत्र बनते जी। उस समय शक्र देवेंद्र इंद्र जी था, तथागत भगवान बुद्ध जी। ये जातक कहानी का नाम क्या था? सुधा भोजन जातक। आप लोग भी दान दे दीजिए, कभी भी दान देने से पीछे मत हटिए। आप लोग कुछ भी खाएगा तो बांट के खाइए। अकेले खाने से एक पुण्य भी नहीं मिलता है, अगर आप लोग थोड़ा बांट के खाएगा तो उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। कभी भी स्वार्थी मत हो जाए कोई भी चीज का। स्वार्थी होने से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, परार्थ होने से पुण्य हमेशा मिलता रहता है। उस मौका मत गवाइए। आप लोग को देने का समय आ गया। देने का समय मतलब समझ, अभी आप लोग दिमाग वाले हैं, बुद्धिमान हैं, देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा भी तो है। आप लोग खाना खाते हैं, फल खाते हैं, चाय पीते हैं, बात के खाने का आदत रखिए। क्यों? याद रखिए, खंजूस के कारण, लालच के कारण, शरीर मन वाणी से पाप करने के कारण किसी को एक पैसा कूड़ी भी नहीं मिला है। इधर बाजार में हो, कहीं भी हो, किसी को कोई कमाने पर एक रुपये मिलेगा तो, एक दाना चावल मिलेगा तो, कम से कम बैठने के एक कुर्सी मिल गया था, वो हर एक चीज कभी ना कभी किया हो पुण्य के कारण प्राप्त हो गया है। दूसरा कारण कुछ नहीं प्राप्त होता, नरक में चल जाता है। नरक के लोगों को थोड़ी ना ये सब है। इसीलिए आप लोग भी पुण्य किया है, उस पुण्य को और बढ़ाइए। निरंतर दान दे दीजिए, कोई भी चीज का कंजूस मत। कभी भविष्य के बारे मत सोचिए, भविष्य में हम जमा करेंगे, ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आज के बारे में सोचिए पुण्य करने के लिए। क्या पता कल मर गया तो भविष्य का काम है। इसलिए दान दे दीजिए। अकेला खाना थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़ा भी बाट बाट के खाने का ख्याल रखिए। भगवान बुद्ध ने बताया था ना पुण्य के बारे में, भगवान बुद्ध जी जैसा लोग जान जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ भी नहीं खाएगा। जातक कहानी वो चीज है। इसलिए आप लोगों को दान दे करके धार्मिक होके सुख संपत्ति पाने, सुख संपत्ति शांति आप सबको मिल जाए।